लखे सो मानवी ने मन की लखे सो पीर तन मन की दोनी लखे बिरवा की जात फकीर ओ जी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी ओ भरतरी थारी ईश्वर के वो कारण जोग फकीरी धारी मालिक के वो कारण जोग फकीरी उज्जैन नगरी 16 परगना में राजा भरतरी को राज होया करतो राजा होया करता। आज बहुत खुशी हुई गुरु महाराज बतावे कि मैं पढ़ाई लिखाई करी नौकरी लाग नौकरी ने छोड़ और संत बने। ये कलयुग में कौन बने साहब? राजा भरतरी भी प्रकार राजा होता होया एक मन में कोई शब्द लाग गयो और बीरे खातिर गुरु महाराज गोरखनाथ जी की शरण में जाओ और संत बनिया फकीरी धारी और जोगी बन दुनिया में नाम कमायो। काई प्रकार सूतो महले माही कृष्णा जागी ओ कृष्णा जागी केवल 18 वर्ष की। आजकल 18 वर्ष का तो ज्ञान ही नहीं हुआ कुछ। गोरखनाथ जी की शरण में गया जार बोले भगवान दुनिया का सारा ही रंग देख लिया अब मैंने भगवान की भक्ति दो ज्ञान दो गुरु महाराज जी मनुष्य जून को मोक्ष हो जाए की मुक्ति भी। गोरखनाथ जी बोले बेटा ते राजा हो ताके बस की बात नहीं है फकीरी आप राज करो मौज करो। बोले नहीं अब तो मैंने भगवान को गेलो बताओ क्यों। राजा भरतरी कहने लगे हे बेटा अगर फकीरी में अणु है तो मांग मांग खानो पर अटे कोई माल मलिदा बड़ा बड़ा नौकर चाकर नहीं तने मांग लेनो पड़ेला और सबसे पहली भिक्षा थारे घरों लानी पड़सी थारी बीननी ने थारी रानी ने माँ बोलनो पड़सी और माँ बोल फिर भिक्षा लानो पड़सी काम करसी हो। बोला गुरु महाराज देखो लगन यान की चीज है जब संत महात्मा लिखा करे कि लगन बिना कोई नहीं जागी। आज आपके थोड़ी बहुत लगन नहीं बैठी तो आप शायद अटक नहीं बैठे लेकिन थोड़ी लगन है कि दो नाव प्रभु का सुनला कालो सोबो ही सोबो एक रात नहीं सोवा तो कुछ फर्क पड़ जाए। तो इन वास्ते काई तो गुरु महाराज रा बोल और काई भरतरी जावा जाओ
राज सही कपड़ा छोड़ दिया, भगवान बनो धारण कर लिया, शरीर पर राख रमा ली, हाथा में एक तारा चौतारा ले लिया, जहाँ पगा में सोना चांदी की मोजरिया होया करती, आज नंगे पांव राजा भरतरी अपनी नगरी की तरफ जा रहा है। मेल की डोडिया पे खड़ा हुआ और आवाज लगाई, अलग निरंजन, हे माँ माँ पिंगड़ा मने भिक्षा गालो, यान यान का राजा हो ऐसा तो गयो शहरी के माही देरियो फेरी वो लगारियो फेरी वो भिक्षा घालो मारी पिंगड़ा मात करो मत देरी भिक्षा घालो मारी पिंगड़ा मात करो मत देरी जोगी की आवाज सुनी पिंटे में रानी पिंगड़ा मेला में के सुखारिया। अपनी दासी ने बोली, हे दासी देख कोई अच्छा जोगी आयो, कितनी मीठी बोली बोल रहे, जाके मोतिया को थाल भर ले जा। अरे जोगी ने भिक्षा कर लिया। वह दासी घूगरा बजाती नीचे आई महाराज, रानी की दासी नीचार बोली, रे फकीर आज तारो भाग बड़ो तगड़ो और पिछाणी नहीं पाएगा अपनो राजा भरतरी है। आज तारो भाग जोरदार है, क्यों देख रानी मेहरबान वेगी थारे वास्ते मोतिया को थाल वेगी, लेकिन बर्तन बार। राजा भरतरी बोलिया, हे दासी थारे हाथ की भिक्षा नहीं, भिक्षा घाले तो मां पिंगड़ा ही मेला मो नीचे आर घाले जदे में भिक्षा लिया। दासी बोली, थारी इतनी औकात वेगी के रानी मेला मो नीचे आर थने भिक्षा घाले, जाके अपरो चल जा। जदे राजा भरतरी बोला, हे दासी इतनी ऊंची मत बोल, एक दिन तू बाजार में बिक्री तन में खरीद लायो, बेटी की जान पाल पोसर बड़ी करी, आधी रोटी मैं खातो और आधी रोटी थने देतो, और आज तू ही मन इतनी बड़ी बात करी, आंखें मासू भर लिया। जदे दासी विचार करियो, हो राजा भरतरी जोग ले लियो, रोती रोती वापस गई और जार पिंगला ने बोली, भाई थारा भाग फूट गया, थारो राजो जोगी बनकर खड़ो है। रानी बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति देव जोगी नहीं बन सके। बोले, देख ले क्यों तो काई तो मेल का झरोको हो जाकर काई बाता बन जाओ। रानी खड़ी महली माही लटैया तोड़े, ओ लटैया तोड़े, अरे राजा दिन पकड़ो हाथ प्रीत कहीं तोड़े, राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। रानी खड़ी महल के माई लटैया तोड़े, बाला ने नोच लिया, बावड़ा की जान वे गया, जाको घर को दणी बाबूजी बन जा महाराज, वहां की वहां पई बीते, धरती पर गिर पड़िया, रोता रोता नीचे आया, हे राजन हे पति देव इतनी तो मत करवा, जोगी मत बनो आप, काके 18 ही वर्ष की उम्र है, और बेटे भी की कोंक से कोई राज ने संभाल वालो बेटो बेटी भी जन्म ने लियो, हे राजा इतनी मत करो आप। रानी खड़ी महल के माई तड़पती काया, अरे थारो मर्जो गोरखनाथ राज छुड़वाए, भी मोड़िया के बाद ही लाओ, काल मर तो आज मरो, मेला में आतो तो मैं दूध पाती पंकी करती, आमो कर कर सेवियो निकलो पेट बंबू, मारे राजा नहीं जोगी बना दियो,
भी मोड़ियो काल मरतो आज इति बात सुनी भरतरी रे नेणा नीर ढलक गई। हे मां पिंगला जो कुछ लिखे वो कर्मा रो खेल, जो कुछ लिखा लीलाड़ में मेट सके ना कोई, अरे कोटि जतन करते फिरो होनी हो सो कोई। मां पिंगला इमे गुरु महाराज रो दोष नहीं है, ये मारे विधाता रा लेख के मने जोगी बनो मैं जोगी बन गई। रानी बोली था कि जोग लेवा को शौक है तो मारे आंखा के सामने टे मेला में दोनों गालो, जंगल में क्यों जाओ अटे ही गालो दो। राजा भरतरी बोले नहीं, अगर मान ले मैं मेला में दोनों गालू कोई दिन माया मोह में लिपट जाऊं वापस तो मारी फकीरी पे दाग लाग जावे, मारे गुरु महाराज की भक्ति पर दाग लाग जावे, इन वास्ते मैंने जानो पड़े लाग केने लाग्या भरतरी। राजा भरतरी मोतियारो थाल भिक्षा में लिया, रानी बोल दी जाओ राजा के अगर आपके फकीरी कोई शोक लागे तो जाओ अमर नाम करो। वे सत्य ने भी धन्यवाद साहब राजी राजी घर का दिन ने विदा कर दिया। आज की होती ना या तो वह एक ही बात करती थे जा रहे हो ना आचाली में ये जा रहे हो तो फिर मैं भी गटी होटी जा सकता, या फिर कहते कि बात ठीक है कोई बात, लेकिन इतनी सहज साठ तो राजी न होती आज के और। गुरु महाराज के कन्ने भिक्षा ले और गया, गुरु महाराज दूर देखते ही हंसने लाग आए क्यों बेटा बोले हाँ भिक्षा ली आयो हाँ थारे घरों ले हाँ थारी रानी ने माँ बोलियो हाँ थारी रानी रोकी नहीं खूब रोके मैं रुके जद गुरु महाराज बोले वाह ठीक है तू फकीरी में आस तू ज्ञान ले सके। भरतरी बोले गुरु महाराज अब मेरे ज्ञान सीख बोले बैठ के तो जान आपा बैठे यानी गुरु महाराज बैठे हैं सामने भरतरी बैठे थोड़ी देर तो ज्ञान सुनियो अबे राजा री ओडा खटाऊं ज्ञान पल्ले पड़े थोड़ी देर बाद भी महाराज भरतरी की पलका मिलबो शुरू नींद आने लागी यार मारटे भी आई जाओ के लोग भरतरी ने नींद आवो शुरू वेगी जद भरतरी बोला हे पापणी नींद मैं राज छोड़ दियो पाठ छोड़ दियो प्राण प्यारी पिंगला छोड़ दी तू मने कद छोड़ सी तो देखो काई तानो मारियो नींद ने राजा भरतरी अरे उन घर जाजो बेरण नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे तू ही बढ़िया है। भरतरी बोलिया
अरे के तू जाजी राजी दवारा के रसिया रस भोगी भोगी भरतरी सुन भरी निंद्रा यहाँ नहीं तेरा वासा अरे भरतरी सुन भरी निंद्रा यहाँ नहीं तेरा वासा लेकिन फिर भी वह नींद न माने न माने नींद गुरु को छा जाओ ना और नींद छायुड़ी बहुत बुरी है। लेकिन विद्वान लिखा करे कि नींद निशानी मौत की। कोई आदमी अगर भजना मार सोवई को मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे उठे जावे उन्हें जल्दी ही तोड़ी जावे की इन वास्ते भगवान का भजना मगर नींद आवे तो आराम उठो घरे जाओ और बढ़िया आराम से। लेकिन राम जी का भजना मैं नहीं सुन सका। भर्तरी भी खूब मना करो हे नींद मान क्यों लेकिन नहीं मान। जब भर्तरी बोले अगर कोई लेबड़ो हो ने तो मैं तने बेच दूं और फ्री में ही दे दूं बस कोई ग्राहक मिल जाए। तो भर्तरी का आखिरी बोले देखो नींद ने अरे नींदरा बेच दूं कोई ले तो नींदरा बेची दूं कोई ले तो राम ही राम रटे तो राम ही राम रटे तो वीरा करा करियो पाप कटे लो तो संपर्क कर लीजिए सुबह। बोलो भगत और भगवान की सच्ची दरबार की। अब संसार में